प्रगति हो, प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस समय सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। अगर इंटक की बात करें, जो कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस पार्टी है, वो सीमापुरी के अंदर गली गली के अंदर घूम करके कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। राजीव अरोड़ा और सुनील कुमार पोपट और उनके समस्त सदस्य गली गली के अंदर, 40 डिग्री इस समय तापमान दिल्ली का है और गली गली के अंदर घूम रहे हैं। लगभग 2 बज चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? तापमान नहीं देख रहे और ऐसा है, पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। हमारी अदन्य शीला दीक्षित जी खड़ी हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए सब घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। और आज आपके माध्यम से मैं अपने सब मजदूर भाइयों को 1 मई मजदूर दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं और बाकी सबको यही कहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट। गली गली घर घर जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है कांग्रेस के लिए? ऐसा, कांग्रेस को हर कोई चाहता है कि कांग्रेस को ही वोट देना, क्योंकि सब इनसे परेशान हो गए हैं। एक चाचा ऊपर बैठा है वो झूठा है, एक भतीजा नीचे बैठा है वो झूठा है, कोई काम चाचा भतीजा कर नहीं रहा, इसलिए सब वापस अब कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस काम करती है वो सबको साथ लेकर चलती है। सुनील भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज हम दिन रात और गली गली में जाके हम मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मतलब पब्लिक एक ही नारा है, पब्लिक का हाथ को वोट देना, कांग्रेस को लाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहुमत से ही कांग्रेस आएगी। जी, उम्मीद पूरी उम्मीद है, जनता हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है। जी, कोई गर्मी नहीं देख रहे ना कुछ भी। और पहला वोट कांग्रेस को। हम आगे पीछे कुछ भी नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ देखेंगे कांग्रेस। मोदी को नहीं लाना है, कुछ नहीं लाना, सिर्फ कांग्रेस लेके आना है मोदी को, कि मोदी हमें समझ में ही नहीं आता, हमें अच्छा ही नहीं लगता है। चौकीदार है और चोर भी है। राहुल गांधी मैं ये चाहती हूँ कि पूरी बहुमत से कांग्रेस आनी चाहिए, और मैं अपने होश आवाज में बिल्कुल ये चाह रही हूँ, जितनी भी पब्लिक है ना, दोपहरी देख रही ना कुछ कर रही, मेहनत कर रही है इसलिए कि कांग्रेस को ही जिता रही। महिला तो मोदी सरकार के साथ है भाई, मैं बहुत पुरानी कांग्रेस कार्यकर्ता रही थी, मगर मुझे कोई पद नहीं मिला, कुछ फिर भी मैं मेहनत मजदूरी करके भी और वोट डालती रही कांग्रेस को, और मैं दिलो जान से तहे दिल से चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमेशा कांग्रेस, बार भी कांग्रेस। महिला मोदी को वोट नहीं दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मोदी को नहीं देंगे। मोदी सरकार चोर है, खून के आंसू रो रहा है, नहीं अच्छे दिन न्याय गरीब रो रहे, काम छुटा दिए, कैसे भी है सब भूखे प्यासे मर रहे हैं, सबकी नौकरी छुटवा दी है, सबकी नौकरियों को बिठलवा दिया, सबकी सील लगवा दी है, कौन सा उसने हमारे साथ क्या किया? आप क्या कहना चाहेंगे जन? हम तो कांग्रेस के लिए वोट देंगे, और मोदी ने हमारे साथ कुछ भी नहीं करा। मोदी जरा चोर है और उसके नीचे बैठा योगी भी चोर है। क्यों, अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं करा? अरविंद केजरीवाल ने अगर काम जो भी किया है तो ऐसे ही क्या, कोई खास काम नहीं किया उन्होंने भी, कोई खास काम नहीं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि देश का पूरी तरह से विकास होना चाहिए और कांग्रेस आनी चाहिए पूरी मात्रा में। विकास के नाम पर बात करें तो कौन सी सरकार बेहतर है? कांग्रेस ही चाहते हैं, कांग्रेस ही आनी चाहिए। राहुल गांधी पक्का आने चाहिए, पक्का आएंगे। दिल्ली का विकास पूरा होएगा, फिर पूरा बहुमत से होएगा, पूरी फुल बहुमत से होएगा। राजीव भाई, सब कांग्रेस बिल्कुल सर, काम किया है, काम बोलता है, जितने फ्लाई ओवर है सब शीला दीक्षित की देन है, और जो ये छोटी कॉलोनी सब बनी हुई है सब शीला दीक्षित की देन है। इन्होंने क्या किया? शौचालय बंद पड़े हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, पेंशन मिल नहीं रही, तनख्वाह मिल नहीं रही एमसीडी की, क्या काम हो रहा है? बिजनेस सीलिंग हो रही है। आप बिल्कुल, क्या कोई रोजगार बंद कर देगा? क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहना चाहेंगे, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस की पार्टी के साथ है हम, कांग्रेस के, बाकी हम किसी के साथ नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? सुना तो ये था के अच्छे दिन आएंगे, पर देखा तो अच्छे दिन ऐसे आएगा, रोड भी सब खराब पड़े हैं, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है सब इंसान को, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, खैर उन्हें बनना चाहिए।
आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये जितनी भी झुग्गी झोपड़ी पट्टी वालों ने मकान दिए कांग्रेस की देन, और आज तक इतने इतने कूड़े करकट पड़ा हुआ, राजीव गांधी वाले सारे ही आए और सबने ही साथ हमने कांग्रेस का दिया, और आज हम कांग्रेस का साथ हैं। ये गरीब आदमी को नीचे बोल देते हैं मोदी वाले, मोदी सरकार, और कांग्रेस पार्टी ऊपर उठाती है। मोदी सरकार में जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल काम नहीं हुआ, आज तक किसी चीज का कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है उसकी राज में जितनी भी जय कॉलोनी है खुशहाल था, सब में पूरा देश खुशहाल था, और जितनी भी दिल्ली में जो जय कॉलोनी है उनका विकास भी अच्छा हुआ, और जो गरीब आदमी है वो बेचारे कांग्रेस को ही चाहते हैं कि उनकी सहायता मिलती है, कांग्रेस सहायता देती है। मोदी ने भी तो इतना काम करा है, मोदी ने कोई काम नहीं करा। 15 लाख रुपया दे दिया, 15 लाख दे दिया, किसको मिला? आपको मिला? और सुनो, राहुल गांधी ने किसानों का कर्जा माफ किया, जो बोलता है वो करता है। अब 72,000 रुपए बोला, 72,000 रुपए हर गरीब को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हेलो, किसानों को पैसे माफ हुए? हमारे न्याय राहुल जी ने कहा है कि कोई गरीब आदमी मरेगा नहीं, अब होगा न्याय, हर गरीब को मिलेगा 72,000, और पूरे बहुमत से आएगा।